गुड मॉर्निंग आइस अवर वीडियो टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड अमोरफर सब्सटेंसेस सो लेट्स सी क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में सो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस क्या होते हैं सबसे पहले क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के बारे में बात करते हैं द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज़ रेगुलर एंड क्रिस्टल हैज़ डेफिनेट एंड रेगुलर जोमेट्री जो इंटरनल अरेंजमेंट जो होता है ये पार्टिकल्स के बीच का वो रेगुलर होता है एंड ज्योमेट्री एंड क्रिस्टल जो होते हैं वो डेफिनेट हो ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जबकि अमोरफा सब्सटेंसेस किसे कहते हैं जिनमें इरेगुलर इंटरनल अरेंजमेंट हो पार्टिकल्स का एंड रेगुलर ज्योमेट्री जो है वो भी इनडेफिनेट हो तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं अमोरफा सब्सटेंसेस ठीक है और बात करते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज है कि इनके पास क्या होता है कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होता है जबकि अमोरफा सब्सटेंस या अपनी अमोफा सॉलिड्स के पास में मेल्टिंग पॉइंट जो होता है शार्प नहीं होता जबकि दे हैव रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स और उस रेंज के ऊपर जो होते हैं ये मेल्ट करना स्टार्ट कर जाते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के बारे में बात, तो बात करें तो इनका कूलिंग कर्व जो होता है वो डिसकन्टीन्यूस होता है जबकि एमोर्फो सब्सटेंस के बारे में बात करें तो इनका कूलिंग कर्व जो होता है वो कंटिन्यूस होता है स्मूथ होता है क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो होते हैं ये जो होते हैं ट्रू सॉलिड्स होते हैं जो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से बनते हैं तो विच आर फॉर्मड थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और जो एमोर्फो सब्सटेंसेस जो होते हैं दे आर कंसिडर्ड ए सुपर कोल्ड लिक्विड्स की तरह इन्हें कंसिडर किया जाता है एंड द नास्ट नेक्स्ट पॉइंट इज कि द जनरली दे आर आइसोट्रॉपिक जो अमरफा सब्सान जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं जबकि क्रिस्टलाइन सब्सानसेज जो होते हैं वो एन होते हैं अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि भाई ये आइसोट्रॉफिक का मतलब क्या है ठीक है सो so, मैं आपको बता दूं कि आइसोट्रॉफिक का मतलब क्या है उससे पहले आप चार प्रॉपर्टीज़ के बारे में ध्यान रखें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है कि इलेक्ट्रिकल सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दूसरी थर्मल कंडक्टिविटी थर्ड है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और फोर्थ है मैकेनिकल स्ट्रेंथ ठीक है तो ये चार प्रॉपर्टी जो होती है सॉलिड्स की वो सेम हो अगर ठीक है वो सेम हो इन हर डायरेक्शन में तो ऐसी चीज को हम कहते हैं आइसोट्रॉफिक ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं आइसोट्रॉफिक सॉलिड्स और इस फिनोमिना को कहते हैं हम आइसोट्रॉफिक ठीक है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये सब हर डायरेक्शन में सेम होती है अमोरफा सब्सटांस की इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है आइसोट्रॉफिक कहा जाता है और ये जो होती है डिफरेंट होती है इन ऑल डायरेक्शन में इसलिए इन्हें कहा जाता है एन आइसोट्रॉफिक क्रिस्टलाइन सब्सटांसिस को ठीक है अब एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सब्सटांसिस और एमोरफा सब्सटांसिस के एग्जाम्पल्स क्या हैं सो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें जिनका हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट जिनके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है जिनका कूलिंग कोलिंग जो होता है वो डिसकन्टिन्यूस होता है तो इनके एग्जाम्पल्स आता है आप नोट भी कर सकते हैं उसमें आता है मेटल्स ग्रेफाइट डायमंड सोलिड नाइट्रोजन और आयोडीन एक्जेट्रा ये सब जो है क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हैं अगर आपको अमोरफोस सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल पूछते हैं तो एमोरफस का मतलब होता है ग्लासी मटेरियल जो ग्लास लाइक -like होते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है कि रबड़ टार सिलिका सिलिका आप जानते ही होंगे जिसको लिख एस आई टू और आते हैं क्वार्ड्स क्वार्स क्या है एक ग्लास है जो फ्यूज फॉर्म है सिलिका की ठीक है तो ये एग्जाम्पल हो गए अमोरफर्स सब्सटेंसेस के और ये जो वीडियो में डिफरेंसेस कंप्लीट हो गए होप यू एंजॉय दिस वीडियो अगर आपको वीडियो की चीजें अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें एंड शेयर करें धन्यवाद सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन Never miss an update.